वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा, हमारा सेगमेंट खासकर ये वाला जनाब ख्वातीन के लिए। भाई कुछ भी करने सेटिस्फाई नहीं होती, खुश नहीं होती, कोई ना कोई मसला स्किन का निकाला होता है। ट्रस्ट मी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपकी स्किन है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, उसमें खुश होना सीखें। कुछ भी आप पहने, कोई भी लिबास पहने, जब आप अपने आप को खुद ये समझा पाएंगे ना कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं बेहतर दिख रही हूँ, तो यकीन करें कि फिर आपको किसी सैलून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, अल्लाह ताला ने फितरती ख़वातीन की थोड़ी सी डिफरेंट रखी है कि वो कहते हैं ना, इंसान भी खूब से खूबतर की तलाश में रहता है, तो ख़वातीन भी जो है ना वो खूबसूरत से खूबसूरत दिखना चाहती हैं। चले आज उनके इसी मसले को डिस्कस करते हैं। जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, उनसे हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी की जा रही हैं, लेकिन गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए, कैसे इंतखाब करना है आपने अपने अच्छे डॉक्टर का, और किस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है, ये जानना, ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा को आप देखें कितनी अच्छी लग रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं इन्होंने ली। डॉक्टर साहिबा यही बात आप अपने पेशेंट्स को भी कहती हैं जब वो आते हैं और कुछ कह देते हैं कि हमें ये कर दें वो कर दें, तो आप पहले उनको बताती हैं कि नहीं आपको भाई ये करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उनका आगे से रिस्पॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आज यहाँ से जानना चाहूँगी, शुरू करना चाहूँगी। एक्चुअली वो पहले तो यकीन नहीं ना करते मेरी इस बात पर कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट करने वाले कर भी लेते हैं जो मुझे जानते हैं बहुत करीब से, या मेरे पुराने पेशेंट्स हैं, उन्हें इस बात का पता है कि अभी तक तो नहीं लिया, बट डेफिनेटली पढ़ने वाली है फ्यूचर में। आप देखिए कि वो एक फेस का एक यू नो वो फीचर्स ही और तरह के होते हैं जिन्होंने ट्रीट नहीं किया होता, वो नहीं ली होती कोई भी ट्रीटमेंट, वो एक जो इनोसेंस या वो जो आपके चेहरे की यू नो एक जो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं कि कुदरती हुसन जो होता है वो एक रहता है। और जितने भी वो लोग, वो ख्वातीन जो कि ट्रीटमेंट लेती हैं, वो सारी बहने लग रही होती हैं। बिकॉज देखिए जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है ना, आर्टिफिशियल हम कुछ भी करते हैं, इवन दो आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी एड ऑन कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, कोलेजन है, इलास्टिन है, ये सब वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को यूथफुल रखती हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारी बॉडी में हैं। बट क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, वो डेफिसिट उसमें आते जाते हैं, डेफिशिएंसीज होती जाती हैं। ऑब्वियसली देखिए हमारी ख्वातीन वर्किंग भी होती हैं, हमारी ख्वातीन हाउसवाइफ भी हैं, हमारी ख्वातीन क्या बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया की ख्वातीन स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहती हैं आजकल, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी से यूथ को कम कर देती हैं, यूथफुलनेस नहीं रहती उस तरह से, तो उसके सब्स्टिट्यूट हैं। बट देखिए सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट होता है, जो नेचुरल ब्यूटी है डेफिनेटली हम उसे 100% तो रिवर्स बैक नहीं कर पाते, बट ना करने से वो जो चीज़ें हम करवाते हैं काफ़ी हद तक आपकी स्किन को खूबसूरत बना देती हैं, आपकी स्किन में यूथफुलनेस आ जाती है। आप एबनॉर्मल ना करवाएं कुछ भी, लाइक जैसे फॉर सपोज मैं एक फिलर की मिसाल लेती हूँ, फिलर का पर्पस क्या होता है, फिलर का मकसद ही नाम से जाहिर होता है कि किसी भी जगह पे कोई डेफिसिट आ जाता है उसे फिल करने के लिए फिलर यूज किया जाता है। फॉर सपोज आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, डेप्थ हो गई है, टियर ट्रफ हम उसे कहते हैं, थकी हुई आंखें हैं बहुत ज्यादा, तो हम उसके लिए फिलर्स को फिल करते हैं, बट वो भी सबके लिए नहीं है। हर खातून ये ना सोचे कि अगर मुझे डार्क सर्कल्स हैं या मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, गहरे हल्के हैं, तो मैंने फिलर ही डलवाना है। हर खातून उसके लिए हमारे पास आइडियल कैंडिडेट नहीं होती, बिकॉज अगर आपकी स्किन थिन है, आप एलर्जिक हैं किसी भी ऐसे इंग्रेडिएंट से जो हम आपकी स्किन में डालें, वहाँ गिल्टी बन सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वो लेने के देने पड़ सकते हैं। सो आप अगर ऐसी कोई भी चीज़, जैसे फिलर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारी ख्वातीन अपने लिप्स को प्रोमिनेंट करवाने के लिए फिलर डलवाती हैं। देखें अगर नीचे का लिप आपका बड़ा है, ऊपर का छोटा, या दोनों ही छोटे हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करवाना है, थोड़ा सा इनहेंस करवाना है, दैट इज़ ओके, आप करवा सकते हैं ना, बट आजकल पाउट का ट्रेंड है यू नो, सो वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी भी होती है, बट ये डिमांड्स होती है उन लोगों की जिन्होंने मीडिया पे आना है, जिन जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग मॉडल्स हैं, या जिनकी डिमांड है ये, उनकी हद तक ठीक होता है, बट नॉर्मल वर्किंग वीमेंस, नॉर्मल ख़वातीन हमारे जैसी आपके जैसी, वो नहीं चाहेंगी कि कोई एबनॉर्मल लुक आए। जितना ज़्यादा नेचुरल रहेगा उतना ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे। वो टाइप डॉक्टर कंवल आपको ऐसा लगता है, आई एम श्योर मुझे ऐसा लगता है, हम सबको लगता होगा कि जो 15 से लेकर 25 तक का टाइम होता है लड़के और लड़की की ज़िंदगी का, आई थिंक आप अपने
पीक पर होते हो, आप यू नो आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप ग्लो कर रहे होते हो, आपकी आंखों में वो चमक होती है, हर चीज यू नो दुनिया भी खूबसूरत लग रही होती है और हमारे हॉर्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं. अब जो कम एज की बच्चियाँ हैं, नियर 20-25 की बच्चियों को भी देखा है जो कि यू नो फिलर्स करवा लेती हैं, इस एज में ये ट्रीटमेंट लेना क्या नुकसानदेह है या इट्स ओके अगर आपको लगता है कि उनको लगता है कि खूबसूरती में ये एक चीज़ ऐड करेगी, इन्हांस करेगा आपके फीचर को, तो करवाया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है? फेयर कमेंट. देखें, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान होता है और मैं कभी भी अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करती बिकॉज मेरे पास कस्टमर्स नहीं आते, मेरे पास पेशेंट आते हैं. आई एम अ डॉक्टर, सो मैंने फेयर ही उन्हें बताना है कि ये चीज़ इस वक्त आपके लिए सूट कर रही है, आप करवाएं या नहीं. मैंने बैठे हुए पेशेंट से ये नहीं करना कि मैंने क्योंकि इससे अर्न करना है, मैंने इससे कमाना है, तो मैंने इसको प्रोसीजर करके ही भेजना है चाहे उसका उस पर कोई भी नुकसान आए. डेफिनेटली इफ़ यू आर इन ट्वेंटीज़, अर्ली 20s, 25 ईयर्स एज है आपकी, तो आपको फिलर की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी इस बेबी स्किन को, इस यंग यूथफुल स्किन को अच्छी डाइट से, कुछ केयर से, प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगा के, प्रॉपर उसको जो डाइट की नीड है, माइट भी आप इतनी डाइटिंग कर रहे हो कि आपकी स्किन में कुछ बचा ही नहीं है, माइट भी आप अपनी स्किन की बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी नॉर्मल जो नेचुरल स्किन है वो भी नहीं रही है. तो अगर हम उसे, मैं उसे थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करें, इससे आपकी स्किन विद इन 3 मंथ्स नहीं यूथफुल होती, तब मैं आपको फिलर कर दूँगी, फिर मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूँगी. बट मेरा कहना, अगर आपने मानना है डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, तो यू शुड गो विद अ गुड डाइट, यू शुड गो विद दिस सीरम, यू शुड गो विद दिस मॉइस्चराइजर. सो ये ज़रूरी होता है और नुकसान देखें हर चीज़ के हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे जितने भी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, वो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो अभी हम एक और कल्चर देख रहे हैं कि सैलॉन्स में भी ये सारी ट्रीटमेंट्स की जा रही हैं जहाँ पर प्रोफेशनल मौजूद नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो, ख़वातीन आई हो, फिलर करवाया हो और उसके बाद आपने देखा हो कि ये तो मामला ख़राब हो गया है, तो क्या क्या डैमेजेस होते हैं जो कि ख़राब ट्रीटमेंट के बाद हमें फेस करना पड़ सकते हैं? नबीहा, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, किसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, मुझसे भी होते होंगे, शायद मेरे पेशेंट भी कभी किसी के पास जाके कहते होंगे हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, फला डॉक्टर ने की थी अच्छी नहीं लगी. समटाइम क्या होता है, पेशेंट हमारी बात नहीं मानते, लाइक हम उन्हें इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ यहाँ रहने दें, इसको इतना ना डलवाएं, बट उस टाइम पेशेंट फोर्स कर रहा होता है कि नहीं मेरा फिलर है ना तो पूरा डाल दें, कि प्रोमिनेंट हो, नजर आए, कि नजर आए, अभी तो कुछ डॉक्टर साहब नजर ही नहीं आ रहा है. इमीडिएट तो किसी भी चीज़ का लुक नहीं आता ना, हम कहते हैं आ गया है, चेंज आ जाता है. मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई प्रोसीजर करती हूँ, मैंने हाफ ऑफ द फेस का प्रोसीजर करना है और उसको जिस साइड पर प्रोसीजर नहीं किया हुआ, मैं पेशेंट को उसी वक्त कंपेरिजन के लिए दिखाती हूँ कि आप ये देख लें कि आपके फेस में क्या चेंजेस आए, क्योंकि जब दोनों हो जाएंगे तो फिर उस वक्त आपको फील नहीं होगा, फिर आप कहोगे कोई चेंज नहीं है, ऐसा कोई ड्रास्टिक रिजल्ट ही नहीं आया. सो हाफ फेस का करके आप दिखाएं, लाइक बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनके लिए भी एक सजेशन देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने पेशेंट की काउंसलिंग अच्छी करें. डेफिसिट्स क्या क्या आ सकते हैं, डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं, फॉर सपोज आप अंडर आई फिलर करवाते हो, उसमें आपको गिल्टियाँ पड़ सकती हैं गलत फिलर से. उसमें एक स्पेसिफिक हमने डेप्थ तक जाना होता है, अगर वो डेप्थ प्रॉपर नहीं है तो वो आपकी स्किन के जो लेयर्स हैं उन्हें डैमेज कर सकता है, आपका फिलर ज़ाया हो सकता है, उस जगह पे गिल्टी बन जाएगी, बजाय वो करेक्शन होने के एबनॉर्मलिटी आ जाएगी. सो प्रॉपर अगर फिलर, हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं डेफिनेटली, बट हम प्रायोरिटी पे कोशिश करते हैं कि जिसने फिलर डाला है वही उसको डिसॉल्व करे, बिकॉज उसे पता है उसने कितनी मिकदार में कहाँ पुट किया है. तो मेरी तो कोशिश होती है अगर कोई इस तरह का डैमेज मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट को काउंसिल करूँ कि प्लीज उनसे जाके कहें कि ये करेक्ट हो सकता है, आप इसे करेक्ट करवा लें, मुझसे बेहतर वो कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट इंसिस्ट करता है तो वो डैमेजेस डेफिनेटली फिर हमें दूर करने पड़ते हैं. सैलॉन्स की प्रैक्टिस में और एस्थेटिक क्लिनिक की प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप देखें, ट्रेंड स्टाफ आपके पास अगर नहीं है, ट्रेंड डॉक्टर अगर आपके पास नहीं है, तो आप इन चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते. आप पुट कर सकते हो, डाल सकते हो, बट करेक्शन की तरफ नहीं आ सकते, वो कभी आपको करेक्ट करके नहीं देंगे. तो प्लीज़ 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 बचाने के लिए सैलॉन्स पे ना जाएं, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो. Until unless कि अगर उस सैलॉन ने किसी अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर को हायर किया हुआ है. ऐसी भी प्रैक्टिसेस मैंने देखी हैं, बहुत सारे सैलॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की हुई है, कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं वो,
तो उनके पास एस्थेटिक कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं और वो ये काम करते हैं, देन इट इज़ फाइन, आप करवा सकते हो. बट अगर उनके पास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इंजेक्टेबल कुछ भी करवा रहे हैं तो उस क्वालिफाइड डॉक्टर ने इनिशियल की डिग्री में MBBS जरूर किया हुआ हो, प्लीज ये एक मेरी रिक्वेस्ट है. ठीक है, आगे कोई डिप्लोमा करके या कोई 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग करके वो एस्थेटिक कंसल्टेंट या एस्थेटिक डॉक्टर ना बने, वो MBBS जरूर देखें उनकी डिग्री पे. अच्छा डॉक्टर कंवल, मुझे ये बताइएगा ज़्यादातर किस एज ग्रुप की ख़वातीन आपके पास आती हैं और किस ट्रीटमेंट के लिए आती हैं? एक्चुअली नबीहा, बेसिकली बिकॉज आई एम अ डर्माटोलॉजिस्ट, तो मेरे पास 2 महीने के बच्चे से लेके और 80-90 साल की जो ओल्ड एज लोग होते हैं सब आते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं ना. अगर आप डर्माटोलॉजी की फील्ड से बात करेंगी तो स्किन डिजीज़ेस, बिकॉज डर्माटोलॉजी स्किन, हेयर, नेल्स तीनों की डिजीज़ेस को कवर करता है. सो वो तो आप पैदा हुए हुए बच्चे से लेके और जितने भी ओल्ड एज हैं सब आते हैं मेरे पास. एस्थेटिक्स को लेके अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास 20 साल, 21 साल, 18 साल, 19 साल के लड़के लड़कियों से लेकर और ओल्ड एज जो ख़वातीन होती हैं ख़ासतौर पर, बिकॉज मर्दों का कंसर्न ज़्यादा बालों के साथ होता है. सो वो मोस्टली हेयर फॉल के साथ आते हैं, PRP करवाने आते हैं, या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने आते हैं, या फिर फिलर करवाने आते हैं, या फिर उनका ट्रांसप्लांटेशन का, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो आते हैं. ये कंसर्न होता है. सही. फीमेल्स जो हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो एजडअप होती जाती हैं, जो अच्छी मतलब जिनमें हैं एक्टिव हैं, जो चाहती हैं हम अभी भी अच्छे लगें और हम ग्रेसफुली अपनी एज को एजडअप हों, तो वो आती हैं अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए. जैसे सैगी स्किन मोस्टली जिनको कंप्लेन होती है, जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स हमें जिन्हें कहते हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छी स्किन के साथ हैं बट आपकी स्किन ढलक गई है विद द एज. आपको पता ये होता है, आपने बहुत एक्सेसिव डाइटिंग की हुई है और उस डाइटिंग की वजह से आपकी स्किन सैग कर गई है. नॉर्मली आपने बहुत अच्छा वेट लूज़ कर लिया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जहाँ आप वेट लूज़ करते हैं वहाँ डेफिनेटली आपकी स्किन सैग कर जाती है. इन कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आती हैं. मेलाज़मा बहुत कॉमन है, पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, इसके साथ आती हैं. यंगस्टर्स में, टीनएजर्स में बच्चियाँ एक्नी की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आती हैं. आजकल जैसे ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत सारी बच्चियों को प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन कुछ ना करने के बावजूद भी ड्राई हो रही है. लाइक वो एक नेचुरल सा मेकअप करती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, बट उनकी स्किन में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज क्या आ रहा है कि ओवर ड्राई हो रही है, पैचेस पड़ रहे हैं ड्राइनेस के, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, नेल्स में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है. ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. सो उसके साथ अच्छा, बहुत तो आते हैं. कंवल ये भी मुझे बताएगा कि जो भी कोई ट्रीटमेंट ली जा रही है उसके बाद अगर आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहें, बिल्कुल तो ठीक है, स्किन वापस जिस तरह से थी, जिस पैटर्न पे थी वही रहेगी, या उसमें चेंजेस आएंगे, या अब ये तो लाइफ लॉन्ग आपको अभी ट्रीटमेंट सर्टन लेनी ही पड़ेगी? लाइक आप किस ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? डर्मेटोलॉजी और फिलर बोटॉक्स, बहुत वो आजकल ट्रेंड में है, लोग करवा रहे हैं, फिलर्स करवाते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं. देखिए इनकी एक मुद्दत होती है, या फिर खास ड्यूरेशन तक आप करवा सकते हैं, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि वो, बिकॉज हमने बाहर से कोई चीज़ दी है ना, दीज आर सप्लीमेंट्स, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए हैं. इनकी एक खास ड्यूरेशन होती है, जैसे बोटॉक्स जितना भी मर्जी अच्छा हो 6-8 महीने निकालता है, उसके बाद आपकी स्किन एबनॉर्मल नहीं होगी. जिस तरह से पहले थी आहिस्ता 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 अपनी पहली फॉर्म पे आना शुरू हो जाएगी. सो अगेन आपको एक और सेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो बोटॉक्स के लिए फिलर, अच्छा फिलर आपका तकरीबन 12 महीने से लेके 24 महीने यानी 1 साल से लेके 2 साल तक के ड्यूरेशन निकाल जाते हैं फिलर, अगर आपने पुट करवाया अच्छा फिलर. इसी तरह से हम फैट ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो फैट ट्रांसप्लांट का भी सेम सिनेरियो है कि अगर आपका जैसे वेट रिड्यूस हो रहा है, नॉर्मली जिस तरह हमारी बॉडी का फैट जाता है, आपने किसी जगह पे फैट ट्रांसप्लांट करवाया है, चीक्स में करवाया है, अंडर आई में करवाया है, बॉडी के किसी पार्ट में भी करवाया है, सो वो भी अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं अपने बॉडी वेट को या कुछ, तो वो भी नेचुरली ही 1 साल से लेके और 15 महीने तक में डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोगों को ये भी फर्क मालूम नहीं होगा कि उनको एक्चुअली किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बिल्कुल, स्पेशली वो लोग जो भी सुन रहे हैं आपको जिनको बोटॉक्स और फिलर का डिफरेंस नहीं मालूम, मैं चाहूँगी कि आप उनको भी थोड़ा सा गाइड करें. देखिए हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं और प्रोफाइलो करते हैं. प्रोफाइलो के नाम से ट्रीटमेंट्स काफ़ी आए हुए हैं. उसमें होता क्या है, व्हाट इज़ फिलर? फिलर बेसिकली फिलिंग के लिए होता है. फिलिंग किसी भी डेफिसिट के लिए, जैसे आपने वॉल्यूम लॉस किया है, फॉर सपोज अंडर आई में डेप्थ आ गई है, फिलर डलवाएं, आपके चीक्स अंदर की तरफ चले गए, गढ़े पड़ गए,
फिल करवाना है, आपको लगता है कि वॉल्यूम आना चाहिए इसमें, फिलर्स आर बेस्ट, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी ये जो चिन है ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, आपने इन्हेंस करवानी है, आपको पता है आजकल ये खास तौर पर डिमांड होती हैं, इसके लिए फिलर बेस्ट होता है। ये भी ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, इसको भी आफ्टर वन ईयर और आफ्टर टू, वन और टू आपने रिपीट करवाना ही होता है, ठीक है ना। तो ये फिलर्स फिल करने के लिए होता है किसी भी चीज़ को। बोटॉक्स जो है वो आपकी मसल पे काम करता है, बेसिकली वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, तो जो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो हमारी खाल लटक जाती है, ये उसको टाइट करता है, ठीक है। जब आपके फोरहेड पे आप देखें, अगर आप फोरहेड की लाइंस प्रोमिनेंट हैं, क्रो फीट्स यानी आईज के साइड पर अगर आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं, आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपका ये जो लिप्स वाला एरिया है यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, आपकी ये स्किन यहाँ से सैग करके लटक गई है, किसी भी मसल को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये टॉक्सिन होता है। नियर 40 जो खवातीन और मर्द हैं उनके लिए बोटॉक्स बेहतर है, बेस्ट है, ठीक है, बोटॉक्स बेस्ट है, बिकॉज ये उस वक्त इमीडिएट रिजल्ट देता है, विद इन 48 आवर्स आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं, विद इन 48 आवर्स आपको डिफरेंस फील हो जाता है कि हमने लगवाने से पहले क्या थे और लगवाने के बाद क्या है। जबकि प्रोफाइलो जो है वो आपकी स्किन टेक्सचर पे काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, फूड है आपके लिए, वो भी हम फेस नेक दोनों पर अप्लाई करते हैं और उससे आपकी स्किन का ओवरऑल टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, बिकॉज उसमें से कॉन्टीन्यूसली हाइलुरोनिक एसिड रिलीज होता है जो कि इलास्टिन और कोलेजन को बूस्ट अप करता है, और वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज होने के बाद आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, तो वो हेल्दी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर कमल, जैसे कि आईब्रोज को इन्हांस करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लोग आईलैश भी उस तरह से आर्टिफिशियल आईलैश का भी एक टाइम होता है वो भी लगवा लेते हैं, ये हमारे जो नेचुरल आईलैश है या जो आईब्रोज हैं उसको डैमेज कर रहा है, जो फॉलिकल्स हैं उनको डैमेज कर रहा है, या ये भी एक तरह से ठीक है करवाया जा सकता है? देखिए आर्टिफिशियल अगेन सेम थिंग होगी कि वो फिर एक आर्टिफिशियल चीज़ है, नेचुरली आपकी आईब्रोज जो भी है उसमें माइक्रोब्लेडिंग का एक प्रोसेस है जो किया जाता है, मैं नहीं करती, बट ये कि ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, उसमें टैटूइंग आपने सुना होगा, जिस तरह से पहले टैटूइंग करवाते थे कलर आपकी स्किन को कलर देने के लिए, तो बेसिकली आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में वो कलरिंग होती है, तो वो जो डैमेजेस हैं या जो आपके बाल नहीं आ रहे उस जगह पे जो आपने एक प्रॉपर शेप दिलवानी है उसके लिए वो टैटूइंग होती है, सो वो भी कुछ टाइम रहती है, 2 साल तक स्टे करती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली देखिए डैमेज तो है, क्योंकि एक्सटेंशन भी करवाई जाती है, आईब्रो एक्सटेंशन, एग्जैक्टली एक्सटेंशन होती हैं, आईब्रोज एक्सटेंशन होती हैं, आपकी लैशेज एक्सटेंशन होती हैं, जिस तरह आप बालों की हम एक्सटेंशन यूज करते हैं काफी जगहों पे, बालों को एनहेंस करवाने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए हम अपने बालों के साथ विग लगाते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन आई हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ग्लू का लगना और लैश लगना आपकी मतलब आई को मुकम्मल प्रोटेक्शन की जरूरत है, डैमेज तो उसमें नुकसानदेह कभी आपके पास इस तरह के पेशेंट्स क्लाइंट्स आए हों जिनको यू नो आई इन्फेक्शन इस तरह से स्किन उनकी खराब हो गई हो? एग्जैक्टली स्किन खराब नहीं होती, उसमें मोस्टली ना उनकी आंखों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे स्किन में आंखों की जो स्किन है उसमें एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें वो मोस्टली आते हैं कि कॉन्टीन्यूसली वाटर ड्रिबलिंग हो रही है, हमारी आंखों से पानी बह रहा है कॉन्टीन्यूसली, रेड आई हो गई है, पूछो आप पीछे से बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही कुछ निकलता है कि या तो माइक्रोब्लेडिंग करवाई होती है या लैशेज एक्सटेंशन करवाई होती है, देखिए उसमें ग्लू लगता है, केमिकल्स लगते हैं, फिर हमें नहीं पता कि वो फाइबर किस चीज़ का बना हुआ है जो लैश आपको लगी है, वो फॉरेन पार्टिकल है जिसे आपकी स्किन के साथ अटैच किया जाता है लंबे टाइम के लिए, वो नहीं हटता ना, आप मुँह धो लें जो मर्जी कर लें वो नहीं हटता, कुछ टाइम के बाद वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाती हैं, फिर आप उसके दोबारा से सेशंस लेने के लिए जाते हैं और फिलिंग करवाते हैं। सो दिस इज़ मेरे नज़दीक की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लाइक बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे इसके लिए, बट मेरे नज़दीक की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज बहुत सारे तरीके हैं, आपने किसी इवेंट पे जाना है आप उस वक्त आर्टिफिशियल लैशेस लगा लीजिए और फिर वापस आके उसे रिमूव कर दें, एटलीस्ट वो कुछ टाइम के लिए होगी, घंटों के लिए, बट इट्स नॉट परमानेंट कि वो हर वक्त आपकी आंखों के साथ नहीं रहेगी, बिकॉज वो जब एलर्जीज हो जाती हैं तो वो आपकी नॉर्मल लैशेस को भी ख़राब करती हैं, आपके नॉर्मल जो लैशेस के बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, सो फिर उनको ज़रा सिक्योर करना प्रॉब्लमेटिक होता है, सो बेहतर तो ये है कि जितना नेचुरल रहें, जितना अपने आप को हेल्दी रखें, स्किन का ख्याल रखें, आप नेचुरल बहुत सारे तरीकों से अपनी लैशेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉर्मल आपकी ही लैशेस एक्सटेंड हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, सो इट्स गुड कि शेयर कर दें, कोई टोटका अगर है या कोई तरीका अगर है कि घर में किया जा सकता है, ख्याल चलें कर सकते हैं अपनी स्किन का, अपनी आईब्रोज अक्सर खवातीन की ग्रो नहीं करती, लैशेज उनकी जो हैं
वो गिर जाती है ना होने के बराबर होती है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए लैशेस के लिए तो बहुत अच्छा है, हमारी अम्माओं के ज़माने का टोटका है और मेरे ख्याल में ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो मेरी जो मदर हैं वो ख़ास तौर पे उसे वो कैस्टर ऑयल लगाती थी बेटे को भी, क्योंकि वो ये चाहती हैं, मेरी मदर को थोड़ा सा है कि आँखें और लैशेज खूबसूरत होने चाहिए ना बच्चों के, सो वो उसकी आईब्रोज में भी और उसके लैशेज में भी वो कैस्टर ऑयल लगाती थी। कैस्टर ऑयल इज़ वेरी गुड। इसमें आप ये कर सकती हैं कि आपकी कोई भी मस्कारा जो है उसकी बॉटल खाली हुई है, आप उसके अंदर कैस्टर ऑयल डालें, उसमें एक आपने जो इवियन कैप्सूल विटामिन ई का आता है ओवर द काउंटर, आपको इजीली हर फार्मेसी से वो मिल जाता है, वो आप एक उसमें ऐड कर दें, उसका जो मिक्सचर है लाइक उसमें पेन से सुराख करके वो उसमें ऐड करके वो आपने डेली अपनी लैशेस पर भी और अपनी आईब्रोज पर भी डेली अप्लाई करना है। ये एक स्लो प्रोसेसिंग चीज़ है, बहुत स्लोली असर करता है, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल वर्क, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कैस्टर ऑयल से आपकी आईब्रोज के लिए भी और आपकी लैशेस के लिए भी, दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये आप देखें बहुत इजी है, होम रेमेडी है, घर में कर सकते हैं, टाइम टेकिंग है, फौरी रिजल्ट नहीं देता बट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा, इसी तरह जब हम एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं खवातीन और मर्द, तो सबसे पहले हमारे चेहरे पर जो चीज़ प्रोमिनेंट होती है वो हमारा जो अंडर आई और आंखों के हमारे जो रिंकल्स हैं वो खवातीन के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स जो हैं वो उसमें बहुत अहम किरदार भी अदा करती हैं। खवातीन इसकी कैसे केयर कर सकती हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते बट है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अपनी स्लीप पैटर्न को दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी हैबिट है, मेरी ख़ुद की भी यही है, मतलब मैं कह देती हूँ बट मुझे पता है मेरी ये हैबिट है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि रात में जागना एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से प्रोसेस है ना, आपने रात में सोना है दिन में जागना है, मगर हमने उसे वॉइस वर्स किया हुआ है, हमने दिन में सोना है जागना है, रात को जागना है, सो लेट नाइट तक जागना, कंप्यूटर स्क्रीन पर लैपटॉप्स पे क्लोजली काम करना, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल अंधेरे में देखना, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारी स्किन को ख़राब करती हैं, डार्क सर्कल्स करती हैं और इन चीज़ों को डैमेज करती हैं। थोड़ा सा अगर इससे आप कर सकते हैं, ये वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकती हैं कवर, इसे ठीक कर लें तो बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आप इसे घर में रह के अगेन एलमंड ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए, एलमंड ऑयल में अगेन आपने वही विटामिन ई इवियन कैप्सूल मिक्स करना है, जितना भी लेना है थोड़ा सा टिप पे लें, उसमें एक कैप्सूल आपने मिक्स करें और वो आप रात में आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर भी और नीचे भी आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में डेली अप्लाई करना है, उससे काफ़ी हद तक आपके रिंकल्स भी कवर हो जाएंगे और आपके डार्क सर्कल्स भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कवल, अब मुझे बताएंगा कि हमारे यहाँ गोरा होने का बड़ा क्रेज़ है, खवातीन की जो खूबसूरती का इन्हिसार है या जो यू नो हमारी सराउंडिंग्स में जो आंटीज अमियाँ हैं वो भी यू नो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसकी रंगत पे हम अच्छा, अगर गोरा रंग है तो जी खूबसूरत है, अगर गंदमी रंग है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, जो कि बड़ी ही मेरे ख्याल से बदकिस्मती की बात है कि हमने ये यू नो पैमाना रखा हुआ है खूबसूरती exactly. अभी भी खवातीन में क्रेज़ है कि उनकी रंगत जो है वो उस तरह से दो कि जो हमारी यंगर जनरेशन है यू नो वो अपनी स्किन कलर को अपने उसको बड़े अच्छे से यू नो मेंटेन करें, एक्सेप्ट करें और बहुत सारी हमें मॉडल्स भी अब मैं समझती हूँ कि हमें टीवी पे बिलबोर्ड्स पर दिखाई दे रही हैं जो डिफरेंट यू नो स्किन टोन के साथ आ रही है, सो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नंबर है उन लोगों का जो कि चाहते हैं आज भी कि भी हमारा रंग गोरा हो जाए, उसके लिए वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं वो सही हैं। देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली ग्लूटाथायोन होता है और ग्लूटाथायोन अभी तक FDA अप्रूव नहीं है, ये एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई हुआ था कैंसर की एक ट्रीटमेंट के दौरान, कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी और उसमें ग्लूटाथायोन दिया जा रहा था इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए और डिफरेंट ऐसे पर्पस के लिए जिससे कैंसर सेल्स किल होते हैं, ठीक, और उसी में पेशेंट का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हुआ बिकॉज वो बल्क में दे रहे थे। ग्लूटाथायोन आपका अपना लिवर भी सीक्रीट करता है बट बहुत थोड़ी मिकदार में, जितना लिवर को चाहिए होता है वो रखता है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देता है। ग्लूटाथायोन को इसीलिए FDA अप्रूव अभी तक क्योंकि नहीं किया गया, तो आप क्योंकि लग रहा है प्रैक्टिसेस में है, हम भी लगा रहे हैं डेफिनेटली क्योंकि लोगों की डिमांड है ये, बट हम उसको सेफ साइड पे रख के लगाते हैं। फॉर सपोज आपने मुझसे डिमांड किया है ग्लूटाथायोन के लिए, तो मैंने आपकी कुछ लैब्स करवानी है, उन लैब्स में अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो फिर मैं उसको स्लोली स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है, आप उसे लगवा सकते हैं। ग्लूटाथायोन बेसिकली वाइटनिंग के लिए नहीं होता, इट्स फॉर द ग्लोइंग ऑफ स्किन। ओके, वाइटनिंग की डिमांड ही गलत है मेरे नज़दीक, आप ग्लो करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, इवन टोन के लिए,
जी आपके जो हिडन पार्ट्स का कलर है उसको बैक करवाने के लिए, क्योंकि हमारे जो हाथ पांवों का कलर है वो नहीं रह जाता जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, जो हमारे हिडन पार्ट्स का कलर होता है, सो उसके लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप ग्लूटाथायोन लगवा सकते हैं, लगवा रहे हैं, प्रैक्टिस में है, इन है, हम भी लगाते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ FDA अप्रूव नहीं है, FDA अप्रूव ना होने की वजह से इसे बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ लगाना पड़ता है। सो इसके लिए आपका परफेक्टली ऑल राइट होना ज़रूरी है, आपकी कुछ लैब्स ऐसी हैं जैसे लिवर की, किडनी की, जो करेक्ट होनी चाहिए, आपके कुछ प्रेमिसेस करेक्ट होने चाहिए जिसमें हम ग्लूटाथायोन दे सकते। अच्छा, ये ग्लूटाथायोन किस तरीके से देंगे, कितनी देर के लिए देंगे, प्रोसीजर पूरा कितने टाइम के लिए होगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर स्किन कलर को मेंटेन करना है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ग्लूटाथायोन तीन फॉर्म में है, एक तो टॉपिकली अप्लाई करने के लिए क्रीम सिरम फॉर्म में आता है, दूसरे नंबर पे इसकी मेडिसिन आती है खाने वाली, और नंबर थ्री इसकी IV ड्रॉप्स आती है। और सेफेस्ट कौन सा है इसमें से? सेफेस्ट अगर आप कहें तो तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है, बिकॉज़ FDA सुन ले, आप लोग सुन रहे हैं, मैं जो लोग सोच रहे हैं, हाँ नहीं कह सकती, बिकॉज़ तीनों इसलिए नहीं है। क्या साइड इफेक्ट होगा? देखिए साइड इफेक्ट ये हो सकता है अगेन कि अगर आपकी किडनी और लिवर का स्टेटस ठीक नहीं है और आपने बगैर किडनी स्टेटस जाने हुए, लिवर स्टेटस जाने हुए ग्लूटाथायोन लेना शुरू किया तो वो आपकी बॉडी को फायदा देने के बजाय नुकसान शुरू कर देगा। आपके लिवर के एंजाइम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं उसकी वजह से, आपकी किडनी जो है वो डिटोरिएट हो सकती है उसकी वजह से, आपको पता भी नहीं चलेगा और स्लोली आप किसी डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे। सो इट्स गुड फॉर यू कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेडिकल स्टोर से खुद से बाय करके शुरू ना करें, बिकॉज मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम तीन महीने से ऑलरेडी ग्लूटाथायोन की फला टैबलेट खा रहे हैं बट उससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। असर क्यों होना है? आप ये देखें असर होने के बजाय आपको कोई नुकसान तो नहीं हो गया? फिर सबसे पहले मैं उनकी लैब्स करवाती हूँ कि वो जो तीन महीने से खा रहे हैं उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें सेफेस्ट कुछ नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ आप तीनों चीज़ें ले सकते हैं। पेशेंट को हम तीनों रिजीम्स एक साथ स्टार्ट करवाते हैं अगर उसकी लैब्स ठीक है तो। उसमें IV ड्रिप्स आती हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिप्स होती हैं बेसिकली, आपकी इम्यूनिटी को वो इन्हेंस करती हैं। उसमें हम एक कॉकटेल तैयार करवाते हैं जिसमें ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी, विटामिन ई और ऐसी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी बॉडी का जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसे भी तेज करते हैं। सही। तो ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स हम कॉकटेल लगाते हैं उससे ना सिर्फ आपका कलर इवन होता है बल्कि आपकी बॉडी भी शेप अप हो जाती है, बिकॉज उसमें से जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिसॉल्व हो जाता है, निकल जाता है, उसका फंक्शन होता ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्रीम्स या सिरम्स देते हैं लगाने के लिए और उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि कब लगानी है कब नहीं लगानी। आपने उसके साथ दिन में ज़रूर सनब्लॉक यूज़ करना है, राइट? देन जो खाने वाली मेडिकेशंस हैं वो किन पेशेंट्स के लिए सुइटेबल हैं, कौन उनके आइडियल कैंडिडेट्स हैं कौन नहीं, ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है। सो ये तीनों रिजीम्स ही मैं यूज़ करवाती हूँ, बट अगेन मैं यही कहूँगी कि कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ लैब्स के साथ उनकी करेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर कमल, आपने एक बात बोली कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि 3-4 महीने से खुद से ही मेडिसिन ले रहे होते हैं और उसके बाद आते हैं और वो कहते हैं कि कुछ असर नहीं हो रहा। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल बता रहे होते हैं, जो उन्होंने खुद से किसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया होता है वो दूसरों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, गूगल पे हर तरह की रिसर्च मौजूद है, आप जो सुनना चाह रहे होंगे वो आपको वही रिसर्च निकाल के और ऐसी वो ही बता देगा, आपको दे देगा। तो आप हर चीज खुद कर रहे हैं, तो ये नहीं आपको लगता कि ये एक बहुत ही मुश्किल में हम अपने आप को डाल सकते हैं, किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं खुद से किसी भी तरह की ट्रीटमेंट कर लेना? बिल्कुल ऐसे ही है नबिया, ये बहुत अच्छी बात है जो आप कह रही हैं, बिकॉज लोग ना करते हैं इस तरह से गूगल यूट्यूब। देखिए सोशल मीडिया या ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारी हेल्प के लिए हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से हेल्प लेते हैं, हम भी लेते हैं उनसे हेल्प, लेकिन उसे एटलीस्ट अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मैं यही कहूँगी कि वो आपको फ़ायदा देने के बजाय कोई ऐसा डैमेज करवा देते हैं जिससे आप वाकिफ भी नहीं होते, और जब वो डैमेज बहुत हद तक हो चुका होता है आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम पूछते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने की, तब हमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि उन्होंने कोई ग्लूटाथायोन की कोई चीज़ यूज़ की थी या कोई भी इस तरह से ग्लूटाथायोन एक लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, बट खुद से कुछ भी इस्तेमाल ऐसी चीज़ें ना करें, खुद से शुरू ना करें, बिकॉज गूगल यूट्यूब, लास्ट कुछ डेज पहले मैंने अपनी इंस्टा पर एक पोस्ट लगाई हुई थी, उसमें मैंने खास तौर पर मेंशन किया था कि जो लोग डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट करते हैं आके उनकी फीस ये होगी, और जो लोग गूगल्स के लिए एडवाइस लेते आते हैं उनकी मैंने थोड़ी बढ़ा के लिखी,
देन अगर वो गूगल की डायग्नोसिस लेके आते हैं, मेरी ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो उनसे पढ़ा के लिखी, लाइक वो मैंने, ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है, मेरी इंस्टा को लोग सर्च करेंगे तो उसमें मैंने वो पोस्ट खास तौर पे लगाई है, डिजर्व करती हैं ये लोग बिल्कुल, बिकॉज मैंने वो अपनी क्लिनिक के लिए बनवा के रखा है, क्योंकि जो लोग आके मुझसे गूगल की डायग्नोसिस बताते हैं, हमने देख लिया है डॉक्टर साहब हमें प्रॉब्लम ये है, आप ट्रीटमेंट दे दें, एक ऐसी चीज है कि आप उस पर जो लिखेंगे, जो सुनना आप चाह रहे हैं, यू नो, वो आपको वही, और आप देखें दोबारा वही आ जाता है, दोबारा आपको मल्टीपल चीजें उसकी मिलती है ना, तो इसलिए प्लीज 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 हमें, हमने इतने साल जो काले की मेहनत करके डिग्री हासिल की है, खुदा रहा इसको कुछ थोड़ा सा उसका हमें वो रहने दे, डॉक्टर हमें गूगल डॉक्टर मत बने आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस।